बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुकिंग विद नबीला में खाना नहीं बना रही, बल्कि अपना मसाला बॉक्स सेट करके आपको बता रही हूँ। मुझे बड़ी शिद्दत से मसाला बॉक्स की ज़रूरत थी, लेकिन इसकी प्राइस इस कदर ज़्यादा बताई जाती थी और मैं नहीं ले सकती थी। लेकिन आज वो कहने के मेरा ना वो लग गया, कोई तुक्का ही लग गया कि मैं बाजार गई और मैंने जब इसे पूछा तो वो मुझे कह रहा था नहीं ये 2000 का, लेकिन फिर बहस करते करते ये मुझे 1400 रुपये में मिल गया। और इसके ना 8 इसके हैं, ताकि आराम से मैं अपनी सारी चीज़ें जो है इसमें सेव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। जैसे ये जब मैं कुकिंग करती हूँ तो ये मसाला बॉक्स यूज़ करती हूँ। इलायची के लिए ये भी मुझे बड़ा ही आज अच्छा सा मिल गया, ये 200 में मुझे मिला है, जिसमें मैंने इलायची रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी जो चीज़ें हैं इस तरह मैं रख देती हूँ। बस जब इकट्ठी पूरे महीने की चीज़ें आती हैं तो इसके लिए मैंने ये बड़े रखे हुए हैं जार, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये इन छोटे जार में मैं किस तरह चीज़ें जो है वो सेव करके रख सकती हूँ। तो इधर से आसानी से पकड़ी और कुकिंग की और दोबारा रख दी। ये लौंग है, ये लौंग जो है एक एक दो दो इस तरह मैं जार में डाल देती हूँ, ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। ये मेरी दादी माँ की टिप है। और उसके बाद ये दो लौंग इसमें, और इसमें मैं डालूंगी ये दालचीनी। ये देखिए इस तरह पहले जार में मैंने दालचीनी डाल के रख दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले ये मैंने जार जो 3 रखे हुए हैं इसमें मैंने लकड़ी का ऊपर ढक्कन है, और ये देखें ये इस तरह जार है शीशे का, इसमें मैंने गर्म मसाला पीस के रखा हुआ है। ये भी मुझे मुनासिब कीमत में मिले, हर जार जो है वो 300 का मिला था मुझे। इसमें मैंने सूखा धनिया पीस के रखा हुआ है, और ये ज़ीरा, ज़ीरा जो है वो कम लग रहा है मुझे, तो मैं ज़ीरा जो है थोड़ा सा और डाल लेती हूँ इसमें इस तरह ना, ताकि ये जा, क्योंकि ज़ीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी। इन सब में मैंने दो दो लौंग जो है वो डाल के रख ली हैं। तो अब मैं इसमें डालती हूँ सबसे पहले नमक। अब ये मैं डाल रही हूँ हल्दी, उसके बाद ये है जी काली मिर्च जो मैंने अभी पीसी है फ्रेश, उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें जी ये कड़ी पत्ता, ये इस तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और कड़ी पत्ते के साथ मैं थोड़ी सी ये मिर्चें सुरख इस ये वाली, और ये वाला जो है ना एक जार ये जिसमें लौंग और ये मोटी इलायची ये मुझे चाहिए होते हैं, ये और सुरख मिर्च, और उसके बाद हाँ जी, और इसमें ये भुना कुटा हुआ जीरा जो मैंने अभी फ्रेश पीस है जी। अब ये सारे मसाला बॉक्स फिल करने के बाद मैं इनको इस तरह सेट कर रही हूँ। ये देखें, और उसके बाद ये मैंने रखा हुआ है जी चाट मसाला, ये भी इस तरह जार में, ताकि हम इजीली इसको शामिल कर सकें। और चाट मसाले के साथ मैंने रखी है माचिस, ये है मेरा थोड़ा सा देसी घी जो कि मैं रूटीन के मुताबिक हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद ये छोटी छोटी जो डिब्बी है इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं ये मेथी दाना, और उसके बाद ये है जी तुख मलंगा, और ये है अजवाइन, ये देखें। साथ ही मैंने ये नाइफ़ रखी हुई है, और उसके साथ जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी। मैंने अपना मसाला बॉक्स जो है वो सेट कर लिया, बड़ी आसानी के साथ सेट हो गया, और इजीली मैं इसमें से चीज़ें निकालूंगी और खाना बनाऊंगी। इसके बाद जो मेरे बड़े मसाले रखती हूँ जिन जार में, इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।